हेलो एवरीवन सो बेस्ट क्वेश्चंस ऑफ गेट एंड ईएससी पीवाईक्यू जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है इसकी सीरीज में आपका स्वागत है इन रीजनिंग एप्टीट्यूड के अंदर आज हम एक और क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं जो 2015 में आया था और ये क्वेश्चन ज्योमेट्री पर है जिसकी बहुत अच्छी एक ट्रिक आप देखेंगे हम यूज़ करेंगे और ये ट्रिक पर कई बार क्वेश्चन इन एग्जाम्स आया है तो यू आर रिक्वायर्ड टू फॉलो दिस टेक्निक सो लेट एस लुक एट द क्वेश्चन क्वेश्चन सेज इज अ ट्राइंगल गिवन एज पी क्यू आर जिसमें एंगल क्यू इज़ राइट एंगल ट्रा वेयर जो टी एस और एस क्यू है उसका रेशियो है थ्री इज टू वन सो ये आप कह सकते हैं ये थ्री फोर्थ एरिया है और ये वन फोर्थ पोर्शन है सिमिलरली आर टी इज टू क्यू टी आर टी इज़ टू क्यू टी इज़ इन द रेशियो ऑफ फाइव इज टू टू तो फाइव इज टू टू है तो अपर पार्ट इज लाइक फाइव सेवेंथ एंड लोअर पार्ट इज़ टू सेवंथ एंड देन पी यू इज टू यू आर इज वन इज टू वन अगर इनका रेशियो वन एज टू वन है तो ये पार्ट इज हाफ एंड दिस पार्ट इज ऑल्सो हाफ सो आपको रेशियोज ऑफ दिस पॉइंट आर गिवन टू यू थ्रू दैट एक और ट्राएंगल बन रहा है यू टी एस ना वॉट इज़ दैट इफ ट्राइंगल जो एरिया है ऑफ क्यू टी एस क्यू टी एस इज बेसिकलीस वन दरिया अगर इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल क्यू टी एस इज गिवेन एज ट्वेंटी सेंटीमीटर स्क्वायर तो वॉट इज द एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर तो ये आपको फुल ट्राएंगल का एरिया निकालना है तो बेसिकली आपको गिवन टू यू सब सेक्शन इज गिवन टू यू एस ट्वेंटी एंड देन आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट द एरिया ऑफ द इंटायर ट्राइंगल सो हैव डन दीज सब्जेक्ट्स कंसेप्ट अर्ली ऑलरेडी प्लीज टेक योर टाइम पुट यू कैन पॉज अ वीडियो एंड देन ट्राई फॉर वन मिनट एंड दोज हुवन डन दिस आर वॉचिंग दिस फॉर द फर्स्ट टाइम एंड ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द कन्सेप्ट आइए चलते हैं कंसेप्ट की तरफ पहले ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा टफ नहीं है ये आप लोगों ने टेंथ स्टैंडर्ड में किया है एक बहुत बेसिक फार्मूला होता है कॉल्ड एरिया ऑफ़ ट्राइंगल एरिया ऑफ ट्राएंगल के बहुत सारे फार्मूले हैं लाइक हाफ बेस इंटू हाइट और हीरोज़ फार्मूला और एक और फार्मूला जो मैं लोगों को बोलता हूँ टू रिमेंबर इज कॉल्ड हाफ ए बी साइन थीटा तो इसके बारे में एक कंसेप्ट का लर्न करते, है, करते हैं लर्निंग करते हैं फॉर अराउंड वन मिनट एंड देन विल कम बैक टू द ट्रिक पार्ट ऑफ इट सो ओके लेट अस लुक एट द क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है वो कहाँ पर है तो कंसेप्ट आप देखेंगे मैंने आपको कहा कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इज बेसिकली एक फार्मूला होता है कि इफ़ टू साइड्स आर गिवन एज ए एंड बी एंड इफ द एंगल बिटवीन देम इज गिवन टू यू देन द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ऑलवेज नोन एज हाफ ए बी साइन थीटा विच वी ऑल आर वेरी मच अवेयर ऑफ इट बट इसका एक और आगे का एक सब पार्ट है जो नॉर्मली टेंथ में नहीं होता उसका एक डिफरेंट फॉर्म गिवन होता है तो उसको आपको मैं जस्ट हाईलाइट करना चाहता हूँ सपोज

पार्ट इज वन थर्ड तो अगर ये वाला आपको एरिया निकालना है तो बेसिकली वो क्या निकल के आता है इन दोनों रेशियोज का मल्टीप्लाई कॉमन पॉइंट इज गिवन टू यू विच इज लाइक वन बाई टू इंटू वन बाई थ्री इज लाइक वन सिक्स इंटायर ट्राइंगल वो कैसे निकल के आता है वट इज द प्रूफ ऑफ इट दैट वी कैन सी दैट ऑब्वियसलीज ए एंड दिस पोर्शन इज हाफ ए तो दिस इज वन साइड पार्ट इज बी दिस इज वन थर्ड बी तो दिस इज सेकंड साइड एंड द एंगल बिटवीन दैम इज सेम So, in that case, if you want to find out the shade area, the shade area is nothing but half into one side is half a, other side is one third b, and then angle between them is theta, so it is sin theta. So, eventually, when you solve it, you will find it is half into 1 by 2 a into 1 by 3 b into sin theta. If you 1 by 2 and 1 by 3 ko outside, hoge, then it is one sixth of half a b sin theta, or it is basically. वन सिक्स ऑफ द ट्राएंगल तो आपको इतना कुछ करने का जरूरत नहीं है इस ट्राइंगल के अंदर स्टोरी बहुत सिंपल है इफ़ फॉर एनी पॉइंट इफ़ टू साइड रेशियोज आर गिवन टू यू आई एम सी रेशियो पार्ट पार्ट ऑफ दैट रेशियो तो अगर वो पार्ट गिवन है तो उनको आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लो एंड थ्रू दैट ओनली यू विल गेट द एंड रिजल्ट लाइक वन सिक्स ऑफ ट्राइंगल सो इट्स लाइक वन ऑफ द बेसिक फार्मूला ऑफ टेंथ स्टैंडर्ड आइए इस फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं और अब सॉल्व करते हैं जो क्वेश्चन अगर आप क्वेश्चन को देखते हैं तो विल गिवन वॉज गिवेन ये वाला जो एरिया है आपका क्यू टी एस ये आपको दिया हुआ है ट्राइंगल क्यू टी एस एस ट्वेंटी राइट और आपको निकालना क्या है इंटायर ट्राइंगल पी क्यू आर सो लेट एस ट्राई टू फाइंड आउट कैसे करना है तो जस्ट लाइक अभी कुछ देर पहले हमने देखा कि फॉर एनी पॉइंट इफ़ एनी टू साइड रेशियोज आर गिवेन टू यू तो आप उनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो वो डायरेक्ट उसका एक ओवरऑल ट्राइंगल का उतना पोर्शन निकल कर आता है तो इफ आई जस्ट फॉलो द सेम एक्सरसाइज इट इज लाइक ये कितना पोर्शन है वन बाई फोर ये कितना पोर्शन है टू बाई सेवन और ये पूरा इंटायर ट्राइंगल का एरिया होगा और ये पूरा इंटायर ट्राइंगल का एरिया इज ट्वेंटी एंड इफ़ यू सॉल्व इट फर्दर यू विल फाइंड इट इज लाइक वन बाई फोर्टीन ऑफ इंटायर ट्राइंगल इज ट्वेंटी सो so, मेरा एरिया ऑफ ट्राइंगल जो आप पूरा का पूरा पी क्यू आर है वो कितना निकल के आने वाला है 280. एटी इज इट इट वेरी सिंपल कि जस्ट टू रिश्यूज को मल्टीप्लाई करो वो आपका ओवरऑल पोर्शन बनता है उसको आप जस्ट इक्वेट करोगे तो डायरेक्ट आंसर आता है ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन रीजनिंग एंड आटे में आपको मिलते हैं विच कैन बी सॉल्व इवन इन लेस देन थर्टी सेकेंड्स प्रोवाइडिंग यू हैव बेसिक अंडरस्टैंडिंग आप क्लास में वो कंसेप्ट करते हो टेस्ट सीरीज़ में क्वेश्चन प्रॉपरली करते हो इफ़ यू जस्ट फॉलो वॉट फैकल्टी से और उनका जो रेंज है आपको बताने का ट्रेंड का अगर आप उन्हें फॉलो करते हो तो यू विल एम शोर दैट सच काइंड ऑफ क्वेश्चन आपके लिए एक वॉक होंगे और फॉर एनी एग्जाम्स ऑफ ई एस सी एन गेट और एनी स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम और एनी पी एस सी रिलेटेड एग्जाम कहीं भी अगर रीजनिंग एप्टीट्यूड आता है तो यू शुड मैगजिमाइज यूर स्कोर इन द मिनिम पॉसिबल टाइम सो दट ऑलवेज आई हेड इन द एग्जाम सो प्लीज़ मेक श्योर दैट इन सारी टेक्निक्स को आप अच्छे से प्रैक्टिस करें सिंपल है एनी वन कैन डू इट प्रोवाइडिंग दे फॉलो द इंटायर प्रिपरेशन प्रॉपरली विद डिसिप्लिन इसी के साथ आज हम यहाँ पर एंड करते हैं आने वाले वीडियोज़ में आपको और कई सारे सब्जेक्ट्स के बेस्ट क्वेश्चन मिलेंगे प्लीज़ टे टून डेट मे डी जी यूट्यूब ऑफिशियल चैनल बाय टेक केयर थैंक यू